to the ground with the toes pointed upward and the arms moving rhythmically. A compassion path past drill. They spell out today's emphasis on marching, saluting and coordinating. Right in front, Jyoti Kumari, a 12, the school captain, guides entire parade cadet. Behind her, followed by Nish Tiwari of 12. With a huge round of applause. Thank you.
कुछ ऐसे गद्दारों की निंदा थी जो कहने को तो अपने थे
सही मायने में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले चाटुकार थे। बहुत बड़ी भीड़ शादी जमा हो रही है। सभी लोग मीटिंग करने वाले हैं। Have to take a decision. Few rebels are trying to disturb us. They are holding a meeting at Jallianwala Bagh to oppose Lawrence Act. What is to be done, sir? Tell General Dyer to open fire in the meeting. Yes, sir. Sahib, ye Rowlatt Act hai kya? ना वकील, ना अपील, ना दलील। जी हाँ, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के दमन की कहानी का एक काला सिलसिला। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के दबाने के लिए बनाया गया था। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की सिविल लिबर्टी को छीन कर उसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अलावा इस एक्ट ने प्रेस की आजादी को भी सीमित कर दिया। इस तरह यह कानून सभी भारतीयों के क्रोध को बढ़ाने वाला साबित हुआ और अंततः इसके विरोध में खड़े हुए जनमानस ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। ओए गुरुदेव, अपने उदय को देखा क्या? वो देख अपना यारा। चल चल यारा, बाग चलें। नहीं, पहले मेरे घर चल, माँ हमारी राह देख रही है, तेरे बारे में भी पूछ रही थी। हाँ चल चल, माँ की बात नहीं निकाल सकते। आ गए तीनों दोस्त, क्यों रे उदम, कहाँ था? चल हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, रोटी खा ले तीनों दोस्त। नहीं नहीं माँ, आज नहीं, तुझे पता है जलियांवाला बाग में सभी इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी तो वहाँ पानी पिलाने की ड्यूटी लगी है आज। इन अंग्रेजों को तो हम भगा कर ही रहेंगे। मैं नहीं जाने दूंगी तुम सबको, अभी जाएगा और पता नहीं कितनी रात होगी वापस आने में। ना ना, मैं नहीं जाने देती। माँ तू तो कहती है मैं तेरा चाम हूँ और रात में घर से बाहर भी नहीं जाने देती। चलो सरदार जी। चल चल मेरी शोनी है। क्यों बेबे, तू भी जा रही है सभा में? हाँ काके, मैं भी तो देखूं मैं की कर सकती हूँ अपने वचन की आजादी के वास्ते। हाँ हाँ बेटा, चल रही हूँ। आज मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, घर वापस आकर तुझे खीर खिलाऊंगी, खाएगा ना मेरा लाल? Yeah.
कर मोरे शुभ कर मन कब हम न डर न डर हर सो जब जाए लर निश्चय कर अपनी चिंत कर
मैं कसम खाता हूँ उन अंग्रेजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। हम भारतीयों की यही पहचान है, हम दोस्तों को छेड़ते नहीं और दुश्मनों को छोड़ते नहीं। और उधम सिंह तो वीर योद्धा थे, मृत्यु को देखकर भी जो आगे की तरफ चल देते हैं, ऐसे वीर योद्धा ग्रह नक्षत्रों की चाल तक बदल देते हैं। काल नहीं है डर तेरा, कर्म है अमर तेरा, रण ही सफर तेरा, रथ ही है घर तेरा, तेरी चोट तेरी शान है, तू योद्धा महान है। 21 वर्षों के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह को उस आदमी से बदला लेने का मौका मिलता है जो 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने जनरल डायर को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का ऑर्डर दिया था, माइकल ओ डायर। Gentlemen, please welcome retired Lieutenant Governor Sir Michael O. Doyle. Yes, I gave the order to General Dyer to open fire in Punjab and will be happy to do it again and again. Thank you. कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जब जब भारत में दमन होगा, हर घर से एक उधम होगा, हर घर से एक उधम होगा। देशभक्ति एक ऐसा नशा है जो गद्दारों को चढ़ता नहीं और देशभक्तों का उतरता नहीं। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई डर है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी रात जिंदा, तू बाग है मेरा। Standing ovation because these are the students, these are the future of our country. A good thing by all. Thank you once again.